Hello students, now I am going to tell you how to prepare and with the help of which books you must prepare for the NEET exam. First thing I am going to tell you that NCERT and NCERT exemplar is very important. जो भी पूछा जाएगा नीट में इन फिजिक्स, कोई भी क्वेश्चन 1 मिनट से अधिक का नहीं होगा. बट आप ये देखते होंगे कि सॉल्यूशंस ऑफ द नीट क्वेश्चन, तो आप देखते हैं वन पेज हाफ हाफ पेज में राइटर्स ने लिख रखा है, वो उतना नहीं है. टू द पॉइंट अगर आप उस क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे तो एक लाइन दो लाइन में ही उसका आंसर है. बहुत से क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जो कि तुम्हें सॉल्व ही नहीं करना होता है. ऑन द बेस ऑफ डायग्राम ग्राफ, ऑन द बेस ऑफ प्रिंसिपल उसके आंसर्स होते हैं, बट राइटर्स उसको सॉल्व करने लगते हैं और हाफ पेज बना दिया कि ये आपका आंसर है. वैसे नहीं करना होता क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं है. नीट में या किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन उसी पॉइंट ऑफ व्यू से ही सेलेक्ट किया जाता है कि इसका आंसर प्रॉपर टाइम में स्टूडेंट निकाल ले. मोस्ट ऑफ क्वेश्चन तो ऑब्जेक्टिव ही होते हैं, भले ही उन्हें आपको थोड़ा सॉल्व करना पड़े. मेरी द बेस्ट एडवाइस है कि कंप्लीट एनसीईआरटी करिए. एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करना वेरी 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 इंपॉर्टेंट है. और आपको प्रिपेयर कैसे करना है, आप पर्टिकुलर एक टॉपिक लीजिए, उस पर्टिकुलर टॉपिक को प्रॉपर वे थ्योरी ग्राफ डायग्राम एप्लीकेशन कंप्लीट करने के बाद एनसीईआरटी एक्सरसाइज एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और किसी रिफ्रेशर बुक को कंप्लीट करने के बाद फिर आप कुछ अदर बुक्स सच एज ऑब्जेक्टिव फिजिक्स एमटीजी कंसेप्ट फिजिक्स ऑफ डिफरेंट राइटर्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक